दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ इस मजेदार स्प्रिंग रोल, जिसके लिए मैं लूंगी एक कटोरी मैदा और आधा कटोरी सूजी। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। अब हम इसको गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। के लिए हमको सॉफ्ट आटा गूंथना है, न ज्यादा हार्ड न ज्यादा नरम। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग नरम आटा गूंथ लेंगे। मेरा आटा गूंथा चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। फिर इसको थोड़ा सा गूंथ लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि इसमें मैंने सूजी डाला है तो सूजी अच्छे से फूल जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी गोली बनाऊंगी। हम ज्यादा बड़ी नहीं और ज्यादा छोटा नहीं, नॉर्मली गोला तैयार कर लेंगे। इसकी हम नॉर्मली रोटी की तरह आटा बेल लेंगे। मैदा लगा के हमको इसको बेलना है। इसी तरह की एक और रोटी हमको बनानी है। ये दूसरी गोली भी मैं अपना तैयार करूंगी। दूसरी रोटी भी बेल लूंगी। रोटी भी बेल चुकी है, अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा ये तेल लगा दूंगी। फिर इस पे हमको ये मैदा लगाना है। इस तरीके से हम इस पे मैदा लगा देंगे। और ये इस रोटी को भी हम उसी तरीके से इस पे भी तेल लगा के और इस पे भी थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। फिर इसको हम इस पे पलट कर रख देंगे। थोड़ा सा मैदा डालकर इन दोनों को वापस से हमको बहुत पतला बेलना है। जितना पतला हो सके इसको बेल लेना है। देखिए, मैंने इसको एकदम पतला बेल लिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी। इसके लिए मैंने तवा पहले से ही गरम कर लिया है। अब हम ये इसमें डाल देंगे। इसको सेकने देंगे। इसको हल्का भी सेकना है। इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह सेक लेंगे। ये मेरी दोनों तरफ से सिक चुकी है। इसी तरह से अब हम और सारी रोटियां सेक लेंगे।
और इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैंने अपनी सारी रोटियां सेक कर तैयार कर लिया है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और तब तक मैं इसके लिए मसाले तैयार कर दूंगी। अब मैं एक पैन गरम करूंगी और उसमें ये 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। इसमें ये डालूंगी 1 चम्मच आदि, ये 2 हरी मिर्च, ये प्याज, ये एक बड़ी प्याज है इसको मैंने पतला पतला काट लिया है। भूनेंगे थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब मैं इसमें और सारी सब्जियां मिला दूंगी। प्याज मेरा हल्का सा भूरा हो गया है, अब मैं इसमें ये डालूंगी बीन्स, शिमला मिर्च, ये भुनी हुई गाजर और ये एक छोटी कटोरी पत्ता गोभी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, हम इसको चलाते हुए 1 मिनट पकाएंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये गोल मिर्च पाउडर, चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच चिली सॉस और ये 1 चम्मच सोया सॉस। सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, बस ये मसाले थोड़े से पक जाए 1 मिनट हम इसको पकाएंगे। देखिए ये लगभग पक के रेडी हो गया है। ये भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच केचप, टमाटो केचप और ये 1 छोटी चम्मच चीनी। इन सभी चीजों को मिला देंगे और इंडक्शन बंद कर देंगे। ये हमारा पूरी तरह से भरने के लिए तैयार है। यदि आपको मीठा पसंद ना हो तो आप चीनी नहीं भी डालेंगे। हम ये एक रोटी लेंगे और इस पे फिलिंग डालेंगे। मैदे को इस तरह से लगा देंगे इस पे। हम इसको और इधर से ऐसे और यहां से टाइट करते हुए हम ये रोल फोल्ड करेंगे तरीके से। हाँ, जहां भी जरूरत हो ये मैदे वाला आटा हम लगा देंगे जिससे हमारा रोल फूले नहीं। इस तरीके से मेरा एक रोल बन गया, अब मैं दूसरा रोल बनाऊंगी। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे रोल डाल देंगे। एक साथ मैंने 5 रोल डाले हैं,
हम भूरा होने तक तलेंगे। ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम सावधानी से एक तरफ से पलट देंगे। देखिए ये एक तरफ से हमारा पक गया है और ये कितना सुंदर कलर इसपे आ गया है। ये बहुत ही खस्ता और एकदम बाजार जैसा बना है। ये मेरा विंडो पूरी तरह से पक चुका है। इसका कलर कितना सुंदर हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये मैंने सारे स्प्रिंग रोल प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा चाट मसाला लगा दूंगी। ये अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।